ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है, आपका आभार है। 26 मई 2021 को कल सूर्य ग्रहण हुआ है, माफ़ कीजिएगा, चंद्र ग्रहण हुआ है। चंद्र ग्रहण होने के 6 महीने बाद तक इसका क्या प्रभाव होगा और इससे क्या क्या हमें नुकसान और क्या क्या फ़ायदे होंगे, इस पूरे वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। चंद्रग्रहण चूँकि भारत में नहीं दिखाई दिया गया, लेकिन विश्व के अनेक कोनों में वो दिखाई दिया गया। ब्लड मून के नाम से ये चंद्रग्रहण फेमस है। और इस चंद्रग्रहण के बाद मुझे बहुत से कमेंट्स मिलते रहे कि इसके बाद क्या होगा, कैसी सिचुएशन होगी, थोड़ा बताएं पंडित जी, क्योंकि लोगों में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आपके मन में भी अगर बहुत सारे प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। अगर जीवन में कोई तकलीफ़ या परेशानी से आप वर्तमान में गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। उसका शुल्क, उसका फीस लागू है। दोस्तों, अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमेशा इसी तरह की अच्छे जानकारी मिलती रहेंगी और हमेशा सकारात्मक, आपकी राशि का सकारात्मक जो वीडियो है इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम ज़रूर ज़रूर लिखें। सबसे पहली और मुख्य बात है कि ये जो ग्रहण है हमारे देश में दिखाई नहीं दिया है, मतलब भारत जो एशिया के बहुत से देश हैं महाद्वीप में हमारे ये ग्रहण दिखाई नहीं दिया है। तो ग्रहण दिखाई नहीं दिया है और इसका सूतक काल और ये जितनी चीज़ें जो हम ग्रहण के तौर पर फॉलो करते हैं, वो इस तरह की चीज़ें बहुत से लोगों ने की है, बहुत से लोगों ने नहीं की है। तो इस ग्रहण का ओवरऑल जो आने वाले समय पर, आने वाले 6 महीने तक कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये जो ग्रहण हुआ है ये हमारे यहाँ दिखाई भी नहीं दिया है। और दूसरी बात है कि इसका इम्पेक्ट हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी आंशिक रूप से भी नहीं होने वाला है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। और परेशान होने की बात इसलिए भी नहीं है कि इसका कोई भी नकारात्मक और नेगेटिव परिणाम हमारे हम पर इधर नहीं दिखाई देगा। पर इसके साथ थोड़ी सी सिचुएशन ये है कि जिन देशों में ग्रहण दिखाई दिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर या अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी घटनाक्रम है उनमें आने वाले दिनों में स्थिरता आएगी। मतलब जो अभी उठा पटक का माहौल चल रहा है इसमें स्थिरता आएगी और चीज़ें जो है वापस जो दुनिया पटरी पर धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका इम्पैक्ट भारत पर भी दिखाई देगा। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर मुझे नहीं लगता कि होगा। तो ओवरऑल ये जो ग्रहण है आने वाले 6 महीने तक इसके सकारात्मक परिणाम रहेंगे, सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव वे में जाएगी और ईश्वर की दया से आप ठीक हो, मैं यही चाहता हूँ। और भोलेनाथ का